हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में दो और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर्कल्स के कवर कर रहा हूं और इन दोनों को भी बिल्कुल लर्न देम बाय हार्ट, क्योंकि ये भी आपके स्कूल में प्री बोर्ड में बोर्ड में अपीयर होंगे। मैं क्वेश्चन में गिवन टू प्रूफ वैसे ही बता देता हूं, उसका प्रूफ लिख के दिखा दूंगा। एक तो ये फिगर आपको गिवन होगी और कई बार फिगर गिवन नहीं होती, तो आपको लैंग्वेज में बता दूं क्वेश्चन क्या दे रखा होता है। और बहुत सारे इवन टीचर्स भी कई फिगर गलत बनाते हैं, तो आपको बता दूं फिगर ठीक बनेगी ऐसे ही, वो नहीं बनेगी जो कई आप बच्चे लर्न करते हो। क्वेश्चन ये है कि फ्रॉम ए पॉइंट बी टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन सच दैट एंगल सीबीडी इज इक्वल 120 डिग्री। तो यूजुअली बच्चों को फिगर ये ध्यान आती है कि अगर सर्कल से दो टेंजेंट ड्रॉन है तो ऐसे करके ये 120 डिग्री होगा, तो इसको नाम दे दें बीसी और बीडी, तो ये फिगर बनेगी बीसी और बीडी, ये फिगर बनेगी। बट अब अगर 120 दे रखा है तो 120 लगना भी तो चाहिए। अब अगर इसमें करोगे तो ये इट अपीयर्स टू बी नियरली 60 डिग्री, तो ये फिगर बनाना ही गलत है अगर लैंग्वेज में दे रखा है और एंगल 120 डिग्री वाला, तो यही क्वेश्चन है। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है फिगर भी ऐसे ही बनाना, ऐसे ही मत बनाना, इट लीव्स अ बैड इंप्रेशन कि बच्चे को बाय व्यू यही समझ नहीं आती कि 60 डिग्री है या 120 डिग्री है। तो ये फिगर अगर कहीं बनवाए तो इसे डिलीट कर रहा हूं मैं, इसे नहीं बनाना। बट अगर फिगर बनी हुई मिले तो बहुत अच्छा है। तो क्वेश्चन ये है कि सीबीडी 120 डिग्री है और प्रूव ये करना है बीओ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बीसी, ट्वाइस ऑफ बीसी। तो आप इसको ये है, इसको ज्वाइन कर दो, इसको इससे ज्वाइन कर दो और इसको इससे ज्वाइन कर दो। फर्स्ट ऑफ ऑल कंस्ट्रक्शन में आएगा ओडी और ओसी को ज्वाइन कर दें। इसके बाद आप इन दो ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर सकते हो। मैं शॉर्ट में लिख दूं, ट्रायंगल ओबीसी कॉन्ग्रुएंट आ जाएगी ट्रायंगल ओ बी डी के। इससे आप बाय आर एच एस कर सकते हो, वो भी ओके है, और बाय ट्रिपल एस कर सकते हो, वो भी ओके है, और बाय प्रॉपर्टी जो आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में थ्योरम बताई थी वो भी वैलिड थ्योरम है। वो थ्योरम ये कि टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड विद लाइन ज्वाइनिंग सेंटर। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब ये दोनों एंगल बराबर है, तो आइदर यू कैन यूज द थ्योरम डायरेक्टली। दूसरा वे है कि आपको पूरा लिखना पड़ेगा, ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, देयरफॉर 90 डिग्री। प्रॉपर्टी आपको पता है, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ऐसे इसका लिखना पड़ेगा, तब इसकी लग सकती है आरएचएस। ऑल्टरनेटिवली आपको पता है ये ईच रेडियस है, ये कॉमन है, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल, तो ट्रिपल एस भी लग सकती है। तीन मेथड है इसके अंदर, तीनों में से कोई सा अप्लाई कर लो सब वैलिड है। तो आपको कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है आइदर बाय यूजिंग थ्योरम क्योरम आर बाय यूजिंग ट्रिपल एस और बाय यूजिंग आरएचएस। कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के बाद सीपीसीटी में तो वी विल राइट एंगल सीबीओ इज इक्वल टू सीबीओ इज इक्वल टू डीबीओ ईच 60 डिग्री हो जाएगा ये, क्योंकि 120 है तो इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव प्रूव दैट एंगल दिस डीबीओ या ओबीडी, एक ही बात है, ओबीडी मैंने प्रूव कर दिया 60 डिग्री। अब इसके बाद आपको यहां पर ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करनी पड़ेगी, तो ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन बड़ा जल्दी सॉल्व हो जाएगा ये। तो cos 60 की वैल्यू पता होनी चाहिए आपको, ये याद होना चाहिए कि sin 30 और cos 60 दोनों की वैल्यू 1/2 है, इससे अच्छी तरह याद कर लो। तो उसके बाद आपने लिखना है इन ट्रायंगल OBD, इस ट्रायंगल में अगर मैं इस एंगल का cos लगाऊंगा तो आई विल राइट cos 60 डिग्री। तो आई थिंक अच्छी तरह पता होगा कि cos इज द रेशियो ऑफ एडजेसेंट साइड टू hypotenuse, याद रखना sin is the ratio of opposite to hypotenuse, cos is the ratio of adjacent to hypotenuse. तो adjacent है BD, hypotenuse है OB या BO, एक ही बात है, टू प्रूव में BO है तो BO ही लिख दो। Now we know that cos 60 is equal to 1/2 और 1/2 is equal to BD by BO, cross multiply करें we can write 2BD is equal to BO. बट अगेन वी सी दैट बी डी एंड बी सी आर लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, तो बिकॉज बी डी इज इक्वल टू बी सी, प्रॉपर्टी पूरी लिखनी पड़ेगी, बिकॉज लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, पूरी प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी। अब क्योंकि बी से बी डी और बी सी टेंजेंट है, तो देयरफॉर वी कैन रिप्लेस बी डी बाय बी सी, तो देयरफॉर 2BC इज इक्वल टू बीओ और 2BC इज इक्वल टू बीओ ही हमारा टू प्रूफ था, 2BC इज इक्वल टू बीओ हेंस प्रूफ्ड। अगेन मैं बार बार कह रहा हूं ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बोर्ड पर्पस से प्रिपेयर कर लेना। सेकंड क्वेश्चन देखिए, अब सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है इन ट्रायंगल एबीसी इट इज आइसोसेलेस, ए बी इज इक्वल टू ए सी, देन ये दे रखा होगा वन इन सर्कल इज ड्रॉन
विच टचिज द बेस एट आर. ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है, वन इन सर्कल इज ड्रॉन टचिंग द बेस एट आर. तो प्रूव करना है आर बाइसेक्ट्स द बेस बीसी, या शॉर्ट में कहें तो बी आर इज इक्वल टू सी आर, ये प्रूव करना है. छोटा क्वेश्चन है, टू मार्क्स में आ सकता है, थ्री मार्क्स में भी आ सकता है, बट वेरी इंपॉर्टेंट है. तो लेंथ ऑफ टेंजेंट की थ्योरम ही इसके अंदर लगेगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन प्रूफ आई विल राइट ए बी इज इक्वल टू ए सी, इट इज गिवन टू अस. तो अगर केयरफुली देखें तो ए से ए क्यू और ए पी लेंथ ऑफ टेंजेंट्स है, तो फिर थ्योरम वही अप्लाई करें, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल. तो देयरफॉर वी कैन राइट ए क्यू इज इक्वल टू ए पी सम रीजन बिकॉज लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल. पूरा लिखना, अदरवाइज मार्क्स कट सकते हैं. तो दो इक्वेशन बन गई, वी कैन सब्ट्रैक्ट देम. व्हेन एवर वी सब्ट्रैक्ट, तो एलएचएस में से एलएचएस सब्ट्रैक्ट कर दो, आरएचएस में से आरएचएस, वी कैन राइट ए बी माइनस ए क्यू इज इक्वल टू ए सी माइनस ए पी. तो अगर फिगर पे देखें, फिगर पे ए बी ये है, इसमें से ए क्यू लेस कर दो तो वी गेट बी क्यू. अगर इधर बी क्यू है तो उधर पी सी आ रहा होगा, आप देख लो. तो वी हैव प्रूव दैट बी क्यू इज इक्वल टू पी सी, यानी ये पार्ट इज इक्वल टू ये पार्ट. फिर ध्यान से देखो तो बी से फिर बी आर और बी क्यू फिर टेंजेंट है, तो दैट इज हम बी क्यू को बी आर से रिप्लेस कर सकते हैं, और बी आर इज इक्वल टू सिमिलरली सी से. ध्यान से देखो सी पी एंड सी आर वो फिर टेंजेंट है, उनकी लेंथ फिर इक्वल है, तो पी सी को सी आर से रिप्लेस कर सकते हो. रीजन फिर वही आएगा, बिकॉज लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, देयरफॉर वी हैव प्रूव दैट आर बाइसेक्ट्स द बेस बी सी, हेंस प्रूव यानी बी आर इज इक्वल टू सी आर. तो दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर अच्छी लगे तो वीडियो जरूर लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, लगातार इसी रिदम से इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देन और हार्डर केसेस के क्वेश्चन भी इसमें आते रहेंगे. ओके, थैंक यू.